अपना ब्रेकअप हो जाने के बाद एक लड़के को सुपर पावर मिलती है जिससे टाइम को स्टॉप कर सकता है। टाइम स्टॉप कर कर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था। हेलो फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आज मैं आपको कैशबैक ये 2006 की एक फैंटेसी रोमांस हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हम हमारे मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था सूजी, ये उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वंडर करता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक साथ थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी, तो शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी, पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बेन के फ्रेंड का नाम था शॉन। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल से लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मार कर चली जाती थी, तो उसके एडवाइस बेन नहीं ले सकता। शॉन आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ही ड्रॉ करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया। उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था, स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा आवर्स थे। वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वो कुछ भी करे, सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी। बेन को नींद नहीं आती तो 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है। वहाँ के जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज़ करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी, इसका नाम था शैरन। बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। शैरन को ये बात अनकंफर्टेबल लगती है। अपना जॉब करते हुए बेन ने हमसे कहा कि हाँ, सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ें करते हैं। हर एक की अलग अलग मेथड है। जैसे शैरन कभी भी टाइम नहीं देखती। जब वो वॉच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लो गुजरता है। इस वजह से हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड्स हैं, पैरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़ें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था, पर बेन ने कहा मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड था, तो एक सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की। वो अपनी पावर से सबको स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लग जाता। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है। वो जब छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यू ड्राइंग करता था। उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसे वो देख सकते हैं। ऐसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था, और जब वो अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शॉन आया। शॉन को पता था कि अभी बेन अपने इस गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उसे कहता है तुम्हें जल्द से मूव ऑन करना चाहिए। शॉन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो इस मूवमेंट को भी वो पॉज कर देता है। एक्चुअल में बेन और शॉन ये बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब शॉन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन्स देखते। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे तो शॉन की मदर वापस आ गई। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बेन से कह रहा था तुम्हें स्ट्रिप क्लब वगैरह मेरे साथ चलना चाहिए। सुनकर बहन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनकी स्टेज पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बेन और शैरन की नज़रों से नज़रें मिली थी। लॉकर रूम में शैरन को ज़रा भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल शैरन के गाल पर लग गया था। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, वैसे एक रोमांटिक सा इनका मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर शैरन चली गई। वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि सूजी से मूव ऑन कर अब वो शैरन को लाइक करने लग गया है। तभी उसके फ्रेंड ने डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है आज मैंने शैरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, पर बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन हमसे कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो जिसको भी लाइक करता है उसे दूर चले जाते हैं। वह जब छोटा था तो अपने टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता। उसकी और एक क्लासमेट थी जिसको बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता था। बेन हमेशा उसे देखता रहता, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाई। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ हेयर से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए। वो अकेली पड़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बैठा, कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे।
एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया, उसके पास आई और पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन कहता है कि हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना, कल स्कूल में कोई भी नहीं होता, कल हॉलीडे था तो उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो आई ही नहीं। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने शारन के बारे में शॉन को बताया पर वो ये भी कहता है मैट और शारन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शॉन ने कहा कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ है ऐसा कंपलसरी नहीं। पर जब नेक्स्ट डे बेन काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से शारन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि वो और शारन कल रात इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आए, कहते हैं मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शारन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। ऑपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे। बेन को बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आई, वो आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया। बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर घूम फिर सकता है। घूम फिर कर बेन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर की नाक को तोड़ देता है। उसे हॉस्पिटल लेकर गया। बेन को कहकर जाता है कि शारन को घर छोड़ देना। बेन और शारन फिर कॉफ़ी के लिए आए। बेन शारन से पूछता है क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो? शारन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड से मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगा। शारन का एक बॉयफ्रेंड था, उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है, एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। शारन ने कहा कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो स्पेन में जाकर वहाँ पर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। वो बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा कि मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। शारन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात शारन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने शारन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे पर ये सही से हो नहीं पाए। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। शारन फिर बेन से पूछती है क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे? बेन इसके लिए हाँ कहता है। इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया, कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा पर वो शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है तो उसे एक पब में वो लेकर गया। वो एक लड़की से बात करते हैं पर उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पर मैं भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह पर शारन ही दिख रही थी, वो टाइम को स्टॉप कर हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था तो शारन बेन से पूछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बेन कहता है कि ऑफकोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त शारन बेन को प्रॉपरली किस कर गए। इतने दिन तक बेन को नींद नहीं आई थी पर आज रात वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन के पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है पर सिर्फ उसके फ्रेंड मैट और बैरी उसका मजा ले रहे थे। रात में बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वो शारन के पास पहुंचा। वो शारन को अपने आर्ट की गुड न्यूज़ बता देता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में आए पर बेन यहाँ पर सुजी को देखता है। पार्टी में इन्होंने ऑर्डर की हुई स्ट्रिपर भी आई हुई थी। ये वही स्ट्रिपर थी जो शॉन और बेन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलत चीज़ें बोलता था पर ये लड़की उसे बचपन से जानती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बेन जरा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सुजी भी थी। सुजी को बेन को शारन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था। वो रियलाइज़ करती कि बेन उसके लिए परफेक्ट था तो उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा था। इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं मैनेजर शारन से बात करने लग गया, उसे हरास करने लग जाता है तो शारन इस पर गुस्सा होके और यहाँ से निकलने लग गए। उसने जब ऊपर बेन और सुजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सुजी बेन को किस कर रही थी। अगली मोमेंट पर बेन ने उसे झटक दिया था पर शारन ने देखा नहीं, वो गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन रियलाइज करता है कि शारन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, सोचा कि वो शारन को क्या बताएगा पर कुछ भी वो सोच नहीं पाता। ऐसे उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वो शारन को मना नहीं पाता। उसे मिलने के लिए गया पर शारन उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड्स ने उसे प्रैंक कॉल कर एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ है तो बेन एक्चुअल में अपना सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वो बेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था।
इसका इनविटेशन बेन शारन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में शारन की बेन ने जो भी ड्राइंग्स बनाई थी सिर्फ यही लगाई हुई थी। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट के एजेंट बात करने लगे, कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया कि शारन भी ये शो देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट उसे पूछ रही थी कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में शारन का ड्रीम था कि उसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना है, तो बेन भी उसी के साथ ट्रैवल करके ड्रॉ करना चाहता था। शारन उसकी सारी ड्राइंग्स देखकर बेन को माफ़ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है, पर शारन ने कहा कि पेंटिंग्स देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शारन ने कहा कि हाँ करती हो। शारन को उसने आँख बंद करने के लिए कहा। उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ शारन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो शारन को बेन बाहर लेकर आया। इसी में वो किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बेन हमसे कहता है लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के पैर में पड़ना है, तो एक बार ज़रा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उन्हें जाने मत दो। इसे एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। अपना ब्रेकअप हो जाने के बाद एक लड़की को सुपर पावर मिलती है जिससे टाइम को स्टॉप कर सकता है। टाइम स्टॉप कर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था। हेलो फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आज मैं आपको कैशबैक 2006 की एक फैंटेसी रोमांस हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारे मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था सूजी, ये उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वंडर करता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक साथ थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी, तो शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी, पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बेन के फ्रेंड का नाम था शॉन। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से उसके पास वो चली गई। उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मार कर चली जाती थी, तो उसके एडवाइस बेन नहीं ले सकता। शॉन आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ही ड्रॉ करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया। उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था, स्लोली स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा आवर्स थे। वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता था पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वो कुछ भी करे, सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात वो ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी। बेन को नींद नहीं आती तो 8 एक्स्ट्रा घंटे बिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है। वहाँ के जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज़ करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी, इसका नाम था शारन। बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शारन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। शारन को ये बात अनकम्फर्टेबल लगती है। अपना जॉब करते हुए बेन ने हमसे कहा कि हाँ, सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ अलग अलग चीज़ें करते हैं, हर एक की अलग अलग मेथड है। जैसे शारन कभी भी टाइम नहीं देखती, जब वो बॉस देखते हैं तो टाइम बहुत ही स्लो गुजरता है, इस वजह से हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड्स हैं, पैरी और मैट, ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़ें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था, पर बेन ने कहा मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हार्ड था, तो एक सुपर पावर उसमें आ गई। ये सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की। वो अपनी पावर से सबको स्टॉप कर देता और सारी चीज़ें घूमने लग जाता। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है। वो जब छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वो हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यू ड्राइंग करता था। उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसे वो देख सकते हैं। ऐसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था, और जब वो अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शॉन आया। शॉन को पता था कि अभी बेन अपने इस गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उसे कहता है तुम्हें जल्द से मूव ऑन करना चाहिए। शॉन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है, तो इस मोमेंट को भी वो पॉज कर देता है। एक्चुअल में बेन और शॉन ये बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। जब शॉन की मदर घर से चली जाती
तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन्स देखते हैं। एक दिन जब ये दोनों देख रहे थे तो शॉन की मदर वापस आके वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बेन से कह रहा था तुम्हें स्ट्रिप क्लब वगैरह मेरे साथ चलना चाहिए। सुनकर बेन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनकी स्टेज पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन बेन और शैरन की नज़रों से नज़रें मिली थी। लॉकर रूम में शैरन को ज़रा भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल शैरन के गाल पर लग गया था। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में होता है वैसे एक रोमांटिक सा इनका मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर शैरन चली गई। वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से मूव ऑन कर अब वो शैरन को लाइक करने लग गया है। तभी उसके फ्रेंड ने डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है आज मैंने शैरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पर बेन को बहुत बुरा लगता है। बेन हमसे कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो जिसको भी लाइक करता है उसे दूर चले जाते हैं। वो जब छोटा था तो अपने टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता। उसकी और एक क्लासमेट थी जिसको बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता था। बेन हमेशा उसे देखता रहता तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपनी सिग्नेचर उस प्लास्टर पर बनाई। जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ हेयर से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए। वो अकेली पड़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बैठा, कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया, उसके पास आई और पूछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। बेन कहता है कि हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना, कल स्कूल में कोई भी नहीं होता, कल हॉलीडे था तो उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन ने उसका बहुत वेट किया पर वो आई ही नहीं। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने शैरन के बारे में शॉन को बताया, पर वो ये भी कहता है मैट और शैरन आज मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। शॉन ने कहा कि वो सिर्फ एज अ फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ है ऐसा कंपलसरी नहीं। पर जब नेक्स्ट डे बेन काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड से शैरन के बारे में बात कर रहा था। वो बता रहा था कि वो और शैरन कल रात इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मोमेंट पर उनके मैनेजर उनके पास आए, कहते हैं मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मैंने बेट लगाई थी, उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए शैरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। ऑपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे। बेन को बोर होने लग जाता है तो टाइम को फिर से उसने स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कैफेटेरिया में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आई। वो आसपास देखने लग जाता है। एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग गया। बेन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर घूम फिर सकता है। घूम फिर कर बेन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर की नाक को तोड़ देता है। उसे हॉस्पिटल लेकर गया। बेन को कहकर जाता है कि शैरन को घर छोड़ देना। बेन और शैरन फिर कॉफ़ी के लिए आए। बेन शैरन से पूछता है क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो। शैरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एज अ फ्रेंड से मूवी देखने के लिए गए हुए थे। बेन को ये बात सुनकर अच्छा लगा। शैरन का एक बॉयफ्रेंड था, उसे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। शैरन ने कहा कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वो स्पेन में जाकर वहाँ पर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी वो जाना चाहती थी। वो बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा कि मुझे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसकी भी आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। शैरन ने कहा कि मैं हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वो वर्ल्ड की किसी भी चीज़ में ब्यूटी देख सकते हैं। ये बात शैरन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने शैरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे पर ये सही से हो नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। शैरन फिर बेन से पूछती है क्या उस रात तुम मेरे साथ चलोगे। बेन इसके लिए हाँ कहता है। इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया, कहा कि बर्थडे पर एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा पर वो शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है तो उसे एक पब में वो लेकर गया। वो एक लड़की से बात करते हैं पर उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पर मैं भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह पर शैरन ही दिख रही थी। वो टाइम को स्टॉप कर हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था तो शैरन बेन से पूछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो। बेन कहता है कि ऑफकोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त शैरन बेन को प्रॉपरली किस कर गई। इतने दिन तक बेन को नींद नहीं आई थी पर आज रात वो बहुत सोया। उठने के बाद उसे एक आर्ट गैलरी से कॉल आता है। बेन के पिक्चर्स उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है पर सिर्फ उसके फ्रेंड मैट और बैरी उसका मजा ले रहे थे। रात में बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वो शैरन के पास पहुंचा। वो शैरन को अपने आर्ट की गुड न्यूज़ बता देता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर पार्टी में आए।
पर बेन यहाँ पर सुजी को देखता है। पार्टी में इन्होंने ऑर्डर की हुई स्ट्रीपर भी आई हुई थी। ये वही स्ट्रीपर थी जो शॉन और बेन बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलत चीजें बोलता था, पर ये लड़की उसे बचपन से जानती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद उसकी भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बेन जरा वॉशरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सुजी भी थी। सुजी को बेन को शारन के साथ देखकर जरा बुरा लगा था। वो रियलाइज करती कि बेन उसके लिए परफेक्ट था तो उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं मैनेजर शारन से बात करने लग गया, उसे हरास करने लग जाता है। तो शारन इस पर गुस्सा होके और यहाँ से निकलने लग गए। उसने जब ऊपर बेन और सुजी को देखा तो उसी मोमेंट पर सुजी बेन को किस कर रही थी। अगली मोमेंट पर बेन ने उसे झटक दिया था, पर शारन ने देखा नहीं। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन रियलाइज करता है कि शारन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, सोचा कि वो शारन को क्या बताएगा, पर कुछ भी वो सोच नहीं पाता। ऐसे उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा था। अनपॉज करने के बाद भी वो शारन को मना नहीं पाता। उसे मिलने के लिए गया पर शारन उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड्स ने उसे प्रैंक कॉल कर एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ है, तो बेन एक्चुअल में अपना सब आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वो बेन को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब उसका एक आर्ट शो होने वाला था। इसका इनविटेशन बेन शारन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन ने शारन की बेन ने जो भी ड्राइंग्स बनाई थी सिर्फ यही लगाई हुई थी। ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट के एजेंट बात करने लगे, कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया कि शारन भी ये शो देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट उसे पूछ रही थी कि फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे। बेन कहता है कि मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में शारन का ड्रीम था कि उसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना है, तो बेन भी उसी के साथ ट्रैवल करके ड्रा करना चाहता था। शारन उसकी सारी ड्राइंग्स देखकर बेन को माफ़ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है, पर शारन ने कहा कि पेंटिंग्स देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। शारन ने कहा कि हाँ करती हूँ। शारन को उसने आग बंद करने के लिए कहा। उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। अब जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ शारन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था तो शारन को बेन बाहर लेकर आया। इसी में वो किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बेन हमसे कहता है लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, पर अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के पैर में पड़ना है, तो एक बार ज़रा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उन्हें जाने मत दो। इसे एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।